तो दोस्तों, आज भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है। और भारत की मीटिंग से पहले ही अचानक से पाकिस्तान भारत के पीओके के अंदर कूद पड़ा है और भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही है। दरअसल आप सभी को पता है कि आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर भारत इसी दिन आज G20 की मीटिंग कराने जा रहा है। पर आप सभी को पता है कि जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री SCO की समिट में भाग लेने भारत आए थे, तब इनका एक बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें यह बोल रहे थे कि भारत ने यदि कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग कराई तो हम भारत को ऐसा जवाब देंगे कि भारत याद रखेगा। और आप सभी को पता है कि आज G20 की मीटिंग है कश्मीर के अंदर और भारत अपनी बात से पीछे नहीं हटा और भारत इस मीटिंग को करा रहा है। तो दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी भी पीओके के अंदर कोई बड़ा कांड करने जा रहा है और इसके ऊपर आप सभी आर्टिकल भी देख सकते हो, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी G20 की कश्मीर की मीटिंग से पहले 3 दिन का पीओके दौरा कर रहा है, जहां पर इनके द्वारा संभवतः भारत विरोधी अभियान चलाया जाएगा और पीओके के लोगों को ये भड़काएंगे कि भारत हमारे लाख विरोध के बावजूद भी G20 की मीटिंग कश्मीर के अंदर करा रहा है और हमारी एक बात को भी नहीं मान रहा और पीओके के लोगों को अपने साइड करने का प्रयास पाकिस्तान करेगा। पर आज मीटिंग फिक्स है और अभी कुछ ही समय के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें दुनिया के करीब 100 से भी ज्यादा जो प्रतिनिधि हैं वो भाग लेने वाले हैं। पर आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या रहा है और अचानक से बिलावल भुट्टो G20 की मीटिंग के समय में ही पीओके जा रहा है, तो इसके पीछे पाकिस्तान की क्या कोई साजिश हो सकती है? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।